नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, हमारे खास एपिसोड YouTube गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा YouTube चैनल शुरू करने से पहले, और आपको क्या क्या चीज़ करना होगा शुरू करने के बाद, और कैसे आप YouTube पर जल्द से जल्द पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आप अपने YouTube करियर को कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसमें सफल हो सकते हैं, और कैसे आप उसमें जल्द से जल्द पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले YouTube चैनल ओपन करने के लिए आपको एक Gmail ID क्रिएट करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, Gmail ID क्रिएट करने के बाद आपको YouTube.com पर जाना होता है, जहां पर आपको एक YouTube चैनल ओपन करना होता है। दोस्तों ओपन करने का पूरा तरीका, आप जैसे ही YouTube.com पर जाएंगे, वहां पर साइन इन करेंगे, उसके बाद आप साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आपको वहां पर एक फॉर्म आता है जिसको फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और क्रिएट होने के बाद जो है अब आप वहाँ पर पहला वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जब आप पहला वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो भी कैटेगरी आप अपने चैनल की चूज़ कर रहे हैं तो आप उसी कैटेगरी में जा करके आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अब दोस्तों जो पहला वीडियो आपका होगा, कोशिश करिए कि आप उस पहले वीडियो में अपने बारे में वो सभी चीज़ें बता दें जो आप आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को देना चाहते हैं। अब दोस्तों करना क्या है कि जब आप अपने वीडियो के बारे में सभी चीज़ें वो बता देंगे तो जो व्यूज़ होंगे, जो व्यूवर्स आपके होंगे, तो वो आपके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो आप आगे देना चाहते हैं। तो दोस्तों करना क्या है कि आप धीरे धीरे फिर आप नेक्स्ट वीडियो बनाना शुरू करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेम कैटेगरी का ही होना चाहिए, तभी आपका चैनल ग्रो करेगा, तभी आपका चैनल आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों करना क्या है कि मान के चलिए कोई सा भी एक कैटेगरी है, जैसे टेक्निकल कैटेगरी है, या फिर आप कुकिंग कैटेगरी का चैनल बनाना चाहते हैं, या फिर आप गेमिंग का चैनल बनाना चाहते हैं, तो जो भी चैनल आप बनाना चाहते हैं तो उसका जो है एक ही कैटेगरी में आपको वीडियो बनाना होगा, और सीरीज़ आपको चलानी होगी। और जब आप एक ही सीरीज़ के वीडियो बनाएंगे तो आपके जो ऑडियंस है वो उसी से रिलेट, जितने भी ऑडियंस है वो आपकी तरफ आएगी और आपका वीडियो को देखेगी और आपके चैनल को ग्रो करने में आसानी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम चैनल के क्वालिटी की। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या है कि दो चीज़ें इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि जो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आज के समय में। पहले क्या था कि ये सब चीज़ उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन आज वो सब चीज़ें मायने रखती है। तो पहला क्या है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अब दोस्तों ये अच्छी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो ऑडियंस है वो देखने में भी आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपके चैनल पर रुक सके, क्योंकि आपके साथ साथ कई सारी वीडियो आपके जैसी पहले से ही YouTube पर पड़ी हुई होंगी। अब तीसरी चीज़ जो है वो आपका कंटेंट। दोस्तों जो कंटेंट है वो दूसरों से अलग होना चाहिए, दूसरों से यूनिक होना चाहिए, तब जा करके आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर आएगी और कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये तो रहे YouTube के शुरू करने के समय का। अब दोस्तों जो YouTube का क्राइटेरिया है, जो YouTube का माइलस्टोन है जिसको क्रैक करना होता है, और उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो अब दोस्तों करना क्या है कि जब आप YouTube का जो माइलस्टोन है उसे कैसे क्रैक करेंगे, तो आपको सेम कैटेगरी की ढेर सारी वीडियो बनानी है और अपने ऑडियंस को अपने साथ जोड़ के रखना है। तो वो कैसे जोड़ के रखेंगे, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो रुक सके और आप अपने चैनल पर उनको जोड़ कर रख सकें। अब दोस्तों हम बात करें कि YouTube का जो क्राइटेरिया है, YouTube का जो माइलस्टोन है वो कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पैसे कमाने के लिए YouTube का जो माइलस्टोन है वो है आपका सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर जुड़े होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर होने चाहिए। और दूसरा जो माइलस्टोन है वो है 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर जब दोनों आप पूरे कर लेंगे, देखने में तो लगता है कि 4000 घंटे तो ज़्यादा सा ज़्यादा लग रहा है, और ये माइलस्टोन जो है वो आपको पिछले एक साल के अंदर ये पूरा करना है। अब दोस्तों आप कोई
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अगर हम एक साल में पूरा नहीं कर सकते, मान के लिए कि आज से लेकर के ठीक आज से एक साल बाद हम ये माइलस्टोन पूरा नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आज से 365 दिन बाद आगे आपको ये जो माइलस्टोन है वो पूरा करना है, और अगर बाय द वे किसी कारण ये पूरा नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि लोग समझते हैं कि फिर से हम जीरो पर आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जीरो पर नहीं आएंगे, तो लेकिन बस ये है इतना कि जो आज का दिन है, मान के चलिए कि आज हमने फर्स्ट डे शुरू किया हुआ है और लास्ट 365 डेज पर हमने पूरा किया हुआ है एक साल, और वहाँ पर जो है हमारा माइलस्टोन मान के चलिए कि 4000 घंटे में 200 घंटे कम रह गए हैं, और हम सोच रहे हैं कि अब फिर से दोबारा 366वें दिन जो है फिर से वो जीरो पर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस फर्क इतना पड़ेगा, जो पहले दिन का जो आपका वॉच टाइम है, पहले दिन के जो सब्सक्राइबर है वो कम हो जाएंगे, और दूसरे दिन से आपका जो 366 वाला दिन है वो, यानी कि यहाँ दूसरे दिन से 366 दिन का जो होगा वो 365 में आ जाएगा, एक साल के अंदर वो हो जाएगा। यानी कि जितना दिन उधर बढ़ते जाएंगे उतने दिन पहले वाले कटते जाएंगे, यानी कि माइनस होते जाएंगे, उतने दिन का वॉच टाइम माइनस होता जाएगा और आगे का वो जुड़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये है YouTube का माइलस्टोन क्रैक करने का पूरा फंडा, और आपके जो चैनल है वो जीरो एकदम से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद वो फिर से जीरो पर आ जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप वीडियो बनाइए, आप बेफिक्र होकर काम करिए, और आप मेहनत करिए ताकि आपके काम की लोगों को देखें, अपने आपके काम को देखें और आपके चैनल से जुड़ना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर जो है बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपका कंटेंट जो है वो यूनिक है तो बहुत ही जल्दी आपके पूरे हो जाएंगे, और थोड़ा सा अगर देर भी लग रही है आपकी कैटेगरी में तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप काम करना शुरू करिए और बिल्कुल निडर होकर के काम करिए और वो जल्द से जल्द आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल दूसरे यूट्यूबर के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर को मैंने देखा है तो वो पहले ही इतना लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं जी जो है कि आप ऐसा करेंगे, बहुत से लोग हैं करने वाले, अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल मत आइए। तो ऐसा कोई सा भी यूट्यूबर नहीं है दोस्तों कि जो पैसा ना कमाना चाहता हो, और वो अगर यूट्यूब पर आया है वो मेहनत कर रहा है तो बट नेचुरल सी चीज़ है कि वो पैसा कमाने के लिए ही आए। बस अगर हम एक आध लोगों की बात छोड़ दें तो लगभग जितने यूट्यूब पर क्रिएटर्स हैं वो सब के सब पैसा कमाने के लिए ही आए हुए हैं। दोस्तों पैसा कमाने का जो जरिया है वो सबसे पहला एक है कि जब आपका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, और मोनेटाइजेशन जब आपका चैनल हो जाता है, जब मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल हो जाता है, तब इस पर आपके वीडियोस पर एड्स रन होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एड्स रन अपने आप गूगल करता है, और इसके लिए आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है और चैनल को अपने मोनेटाइज करना पड़ता है, और चैनल जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा फिर आपके चैनल पर एड्स रन होना शुरू हो जाएंगे, और उन ऐड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों मान के चलिए कि आपके अकाउंट पर आपके चैनल पर 100 ऐड रन किए और 100 ऐड लोगों ने देखे, तो उसका जो रेवेन्यू है वो पहले यूट्यूब अकाउंट पे आएगा और उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट पर जाता है। अब दोस्तों वहाँ पर से आपका एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, जिसके बाद जो है जब आपका एडसेंस अकाउंट पर $100 हो जाते हैं तब जा करके वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रहा यूट्यूब पर चैनल बनाने से लेकर के पैसे कमाने तक का सफ़र, और उम्मीद करता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाइक बटन को पूरी ताकत के साथ आप दबा दीजिए, और मैं आपको इसी तरीके की जानकारी देता रहूँगा। हमारे इसके लिए आप हमारे चैनल को नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।